I didn't want to do this. Baby, I love you so much. Hey guys, if you remember, 2 days pehle I've just ek video maine banaya tha. पाकिस्तान वालों से पीएम से कहा था कि हमारा वीर कमांडर जो पायलट है उन्हें वापस कर दो सही सलामत इंडिया को. थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए. आई रियली प्राउड ऑफ यू. और आपने मेरी बात मानी और आपने हमारा ये काम कर दिया. आई एम सो हैप्पी. कंग्रेचुलेशन के हमारे पायलट हमारे इंडिया में आ चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी. पाकिस्तान के पीएम को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ. हेलो गाइस, आज तो मैं इतनी नाच रही हूँ, आज तो मैं पार्टी कर रही हूँ, आज तो मैं ढोल बजा रही हूँ. काफ़ी दिनों के बाद मेरी शक्ल पे हंसी आई है. यू नो, मज़ा आ गया. मोदी जी, क्या बात है, आपने क्या काम करके दिखाया है. वाओ वाओ, कितनी खुशी की बात है. और मेरे इंस्टा पे कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, वो बकवास कर रहे हैं, कहते कि तो सिर्फ 3 पेड़ ही टूटे हैं. इतना सारा बॉम्ब डाला है, इतने आतंकवादी, 300 आतंकवादी मर चुके हैं. अरे तुमने तो हमारे 40 जवान लिए ना, हमने तुम्हारे 300 ले लिए, 300. क्योंकि इतने सारे बॉम्ब हमने फेंके हैं 3:30 बजे. हमारे जवानों की तो लाश हमें मिली भी, उनके घर भी पहुंची. तुम लोग के आतंकवादियों की तो लाश भी नहीं मिली, एक हड्डी भी पिघल गई, सारी हड्डियां पिघल गई है उनकी, उनके चितड़े चितड़े हो गए हैं. तुम्हारी बहुत फटी पड़ी है, मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ तुम लोग कमेंट कर रहे हो. देखो पाकिस्तानियों, मेरा तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मैं उनके खिलाफ हूँ जिन्होंने मेरे जवानों को, हमारे देश के जवानों को मारा है, वो भी पीछे से वार किया है. मेरा सारे पाकिस्तानियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. हमारे जवानों को हमसे लड़ाई करनी है तो सामने से आके लड़ाई करो, चुनौती देकर, पीछे से वार मत करो. पीछे से वार जो करते हैं ना, वो बुजदिल होते हैं, आप समझ रहे हो. तो पीछे से वार तो बिल्कुल ना करो, सामने आओ. जिस तरह तुमने ऐसा किया, पीछे से वार किया, वैसे हमने आधी रात को कर दिया. तुम्हारे पेड़, तुम्हारे आतंकवादी सबको ख़त्म कर, नष्ट नाबूद कर दिया तुम्हारे लोगों को. बहुत खुशी हुई है एंड वी आर वेरी हैप्पी. थैंक्स टू मोदी जी के बहुत अच्छा कदम उठाया है ना. वी प्राउड ऑफ यू मोदी जी, वी प्राउड ऑफ यू कि आपने सही एक्शन लिया है. अब हमें मोदी जी को पक्का वोट करना चाहिए दोस्तों, सभी लोगों को, बीजेपी को वोट करना चाहिए, फिर से मोदी जी को एक चांस देना चाहिए. इसलिए क्योंकि मोदी जी ने देखो 300 लोगों को ख़त्म कर दिया, 40 का बदला जो है, 300 लोगों, मतलब आप देखो कैसे. और वैसे भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक मेरे ख्याल से अभी फाइनेंस में हम लोग सबसे आगे हैं, काफ़ी ग्रोथ हुई है हमारी. आप लोग जाके देखिए, मोदी जी के आने के बाद काफ़ी ग्रोथ हुई है, सिर्फ 5 साल में इतनी ग्रोथ हुई है, समझिए 5 साल में इतनी ग्रोथ हुई है. तो और 5 साल देंगे तो कितनी ग्रोथ होगी. एंड वी आर डूइंग गुड बिजनेस एंड वी आर डूइंग गुड वर्क. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट वो तो काला धन के लिए तो ज़रूरी था ना, वो स्टेप लेना, यू अंडरस्टैंड. काला धन के लिए स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था. वी आर वेरी हैप्पी. आई एम गोइंग टू वोट मोदी जी. आई यू आप